सभी के सभी हैप्पी है ना दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा मानसून वगैरह बारिश वगैरह कभी कभार आ जाती है। अभी कभी ना गार्डन में चेंजेस होना भी जरूरी है, क्योंकि मैं खुद भी देख के बोर हो जाती हूँ सुबह शाम। आप सब भी अपने गार्डन में दाना पानी जरूर रखा कीजिए। दोस्त कह सकते हैं, बहुत अच्छा दोस्त जो हमेशा मेरे इमरजेंसी में खड़ा होता है और मेरी वीडियो बनाता है। और ये बास्केट का नजारा देखिए दोस्तों, बास्केट ना अपने गार्डन में जरूर ऐड किया कीजिए। आप ये देखिए, इससे लुक कितना प्यारा आता है। आप सकते हैं जल्दी से जल्द मैं अपनी एक वेबसाइट दोस्तों बना रही हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी इन DIY को खरीदने में। कारखा दोस्तों स्पाइडर नहीं है, पेंडेनेंस है, और ये स्नो व्हाइट का प्लांट है। तो दोनों ना बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आपको मेरा गार्डन का कौन सा पोर्शन अच्छा लगे मुझे वीडियो में जरूर बताइएगा। कोई ऐसी बेल जो बिल्कुल फटाफट से रॉकेट की तरह स्पीड में बढ़े और मेरा पूरा गेट जो है वो हरा भरा हो जाए। और ये तो दोस्तों मेरा फेवरेट हो गया है। लगभग अक्टूबर टाइम पे मैंने इसको जो है वॉल को ठीक करवाया था, और मैंने इसमें इस टाइप से जो है ब्लॉक्स वाली पेंटिंग। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कविता तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गार्डन ऑफ कविता। दोस्तों गार्डनिंग कैसी चल रही है पहले तो ये बताइए। आजकल तो सभी के सभी हैप्पी है ना दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा मानसून वगैरह बारिश वगैरह कभी कभार आ जाती है। देखो कहीं कहीं जगह पे तो कंटिन्यू आ रही है, बट हमारे दिल्ली में गर्मी से ना इतना बुरा हाल है, आप मेरे फेस को देख के समझ ही सकते होंगे। इतने ज़्यादा उमस कह सकते हैं, उमस घमस हो गई है। बारिश आती है कभी नहीं आती है, 3 दिन में आती है कभी 4 दिन में आती है, उसका अपना राम भरोसे है। बट बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, बहुत गर्मी होगी और इन पौधों को भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मगर जो गर्मियों में बुरा हाल था उससे तो थोड़ा सा बेटर हो गया है, इसलिए मैं भी खुश हूँ आजकल। थोड़ा सा मैंने सोचा आपके साथ आज ना अपने गार्डन का व्यू शेयर करूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे थोड़े थोड़े चेंजेस मैंने करे हैं अपने गार्डन में। जैसे कि आप ये देख रहे हैं इमोजी प्लांटर्स लगा दिए हैं। तो कभी कभी ना गार्डन में चेंजेस होना भी जरूरी है, क्योंकि मैं खुद भी देख के बोर हो जाती हूँ। सुबह शाम जब यहाँ आती हूँ तो एक ही चीज को देख देख के बोर हो जाती हूँ, तो सोचती हूँ कि कुछ चेंजेस किए जाए जिससे कि गार्डन जो है वो और भी सुंदर लगे और मुझे भी खुशी सा मिले। आपने जो लास्ट व्यू देखा था ना उसमें ये सब चीजें नहीं देखी थी। ये कुछ मैंने बर्ड फीडर ऐड करे हैं इस साइड और इस साइड दोनों साइड, जिससे कि ना थोड़ा सा बर्ड्स वगैरह आप पीछे से बैकग्राउंड सुन रहे होंगे, चिड़िया वगैरह आती रहती है, कबूतर आते रहते हैं पानी पीने दाना खाने। तो इस तरीके से मैंने आप हमेशा कहती हूँ हर वीडियो में कि आप सब भी अपने गार्डन में दाना पानी जरूर रखा कीजिए। एक तो उन्हें बहुत ज्यादा हमारे से इससे हेल्प मिलती है खाने पीने की, दूसरा हमारे गार्डन में ना ये देख रहे हैं आप पीछे से आवाज, इस तरीके की आवाजें आपको सुनने को मिलेगी और आपका मन वैसे ही हैप्पी हो जाएगा। तो दोस्तों बिना देरी वीडियो स्टार्ट करती हूँ और पूरे गार्डन व्यू के साथ आप मेरा जो है ना पूरा वीडियो देखना, जिसमें कि आप देखेंगे कि मैंने कुछ कुछ चीजें ऐड करी है, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्लांट्स मर गए थे तो मैंने दोबारा से उनको लाके दोबारा से उनका अरेंजमेंट किया है। कौन कौन से प्लांट्स लाई हूँ, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि मेरी कौन कौन सी नर्सरी शॉपिंग थी, कितने के प्राइजेस के मैं प्लांट्स लाई थी। तो फटाफट से चलिए गार्डन की सैर करवा देती हूँ। तो गार्डन की शुरुआत है ग्रीन नेट के साथ दोस्तों। अभी भी मैंने ग्रीन नेट हटाई नहीं है, शाम का टाइम है दोस्तों, और ये बीच में आप ट्राइपॉड देख रहे होंगे, ये मेरी बहुत हेल्प करता है मेरी वीडियो बनाने में। मेरा दोस्त कह सकते हैं, बहुत अच्छा दोस्त जो हमेशा मेरे इमरजेंसी में खड़ा होता है और मेरी वीडियो बनाता है। तो चलो ये तो जोक था दोस्तों। शाम का टाइम है, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं लाइटिंग ऐड कर देती हूँ, और ये देखिए कुछ कॉब लाइट्स भी ऐड करी हुई है गार्डन ऑफ कविता मेरे यहाँ का लोगो। ये मेरा बुद्धा कॉर्नर है, यहाँ से मुझे एक ना डिवोशनल वाली वाइब्स आती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये क्रिसमस का जो पौधा है मैंने दोबारा से ऐड करा है, मेरा प्लांट पूरा ख़राब हो गया था, बहुत बुरा हाल हो गया था। ऐसा नहीं है कि मैंने वो डंडी जो है वह निकाली है, बट आई थिंक वो प्लांट मर ही गया। देखिए छिलके वगैरह भी निकालने लग गए, ये प्लांट मेरा मर गया है। ये मेरा बुद्धा पोर्शन है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। आप ये देखिए किस तरीके से मैंने इसको डेकोरेट कर रखा है, एक साइड सिंगोनियम और एक साइड मैंने क्रिसमस लगा रखा है, और जो आप ये देख रहे हैं नारियल के शेल्स लगा रखे हैं, जो आप नारियल पीते हैं वो वही वाला, तो ये वाटर वाला नारियल है। और इसके मैंने जो है इनको यूज़ करके, और ये बास्केट का नज़ारा देखिए दोस्तों, बास्केट ना अपने गार्डन में ज़रूर ऐड किया कीजिए। आप ये देखिए इससे लुक कितना प्यारा आता है। अभी मैंने 3-4 जगह ऐड नहीं करी हुई, तो पूरी मेरा जो गार्डन है वो बास्केट से भरा होता है और ये ना दूर दूर तक दिखती है, और सबके सब मुझसे पूछते हैं, मतलब एक अट्रैक्टिव सा रहता है ये जब हम बास्केट लगाते हैं तो गार्डन। अब आप ये देखिए कुछ मैंने, ये देखिए मंकी जी तो मेरे पहले से टंगे थे, ये मैंने कुछ बर्ड फीडर खरीदे थे और
ये देखिए कुछ भी चीजें आपको चाहिए तो उसका लिंक आप मुझसे मांग सकते हैं। मैंने कुछ डेकोरेट करके ना टेराकोटा का था, इसमें मैंने एक में दाना एक में पानी रखा हुआ है, और आप ये देखेंगे तो देखिए एक मैंने ना इसमें प्लास्टिक की वो जो है वो चिपका भी रखी ताकि एक फील सा मिले कि हाँ दाना खा रही है। वैसे तो खाते ही है बट फिर भी आप ये देखेंगे दो इमोजी प्लांटर मैंने ऐड करे हैं। ये दही के कंटेनर है 15 लीटर वाले। तो ये सब चीज़ें मैं बनाती हूँ, जैसा कि आपको पता है मैं DIY वगैरह भी सेल करती हूँ, तो इसमें से आपको कोई भी DIY पसंद आए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी से जल्द मैं अपनी एक वेबसाइट दोस्तों बना रही हूँ जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी इन DIY को ख़रीदने में। तो ये देखेंगे तो ये सब कुछ प्लांट्स हैं। इस साइड देखेंगे आप ये सब गुलाब है दोस्तों। गुलाब अभी गुलाब तो नहीं दे रहे हैं बट प्लांट्स को हेल्दी रखना भी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ये प्लांट जो है ना डाईबैक मारते हैं इस टाइम पे और इनमें बहुत ज़्यादा मिली वो एफिड्स वगैरह का जो है अटैक रहता है। आप ये देख रहे होंगे ब्लू ब्लू, मैंने इसमें साफ फंगीसाइड का स्प्रे किया हुआ है। मिट्टी में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कुछ जिससे फंगस ना लगे डाली हुई है। ये कुछ एग्लोनीमा है मेरा फेवरेट प्लांट और ये लिपस्टिक एग्लोनीमा कहते हैं, ये स्नो वाइट है। ये सब प्लांट मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखे हुए हैं। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ये मेरा कटिंग से उगाया हुआ है दोस्तों। ये प्लांट ना बिल्कुल मर गया था, ये एम्बरस लिली है, बिल्कुल मर गया था, दोबारा से अपने आप से ग्रोथ करी है, मैंने इसको बिल्कुल हिलाया नहीं। ये रबर प्लांट की कुछ कटिंग्स वगैरह हैं। तो गार्डन का हाल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट फिर भी दोस्तों मैंने कोशिश करी। ये मेरा कुछ मिनिएचर है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है, और आप ये देखिए कुछ मेरा ये 40 साल पुरानी जो है ना ये बाल्टी है, इसको मैंने रिनोवेट कराया और पुरानी यादों को अभी तक संजो के रखा है। और ये आप देखेंगे कुछ, ये देखिए नींबू का प्लांट है, इसको मैंने धूप में रखा हुआ है, अच्छे से धूप आती है। ये मेरा हैगा मैक्सिकन पिटोनिया, ये आप देखेंगे बोगनवेलिया वगैरह है। ये मैंने क्योंकि ग्रीन नेट लगी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, तो मैंने इसमें पेंडेनेंस का प्लांट लगा रखा है दोस्तों। स्पाइडर नहीं है, पेंडेनेंस है, और ये स्नो वाइट का प्लांट है। तो दोनों ना बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, और अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने डायरेक्ट प्लांटर में नहीं लगाया है। कभी कभी होता है कि मन भर जाता है एक पौधे से तो हम दूसरा प्लांट लगाते हैं, तो मैंने ना इसीलिए प्लांटर लगाया ताकि मैं चेंज कर सकूँ अगर मुझे कोई प्लांट चेंज करना हो। वैसे तो ये दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, और आपको इसमें कौन सा प्लांट अच्छा लगता है इससे बेटर, वैसे मेरी तरफ से तो ये मैंने अपने हिसाब से अच्छा ही लगाया है, बट इससे बेटर अगर आपको कुछ लगता है इसके ऊपर तो मुझे सजेस्ट कीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। यहाँ पर मैंने देखिए आप स्नेक प्लांट लगा रखा है, ये कुछ अपना आपका ड्राइसीना हैगा। ये सारे गर्मियों के प्लांट्स हैं दोस्तों। ये सुख शांति में दोबारा लेके आई थी, मेरा पूरा प्लांट खराब हो गया था। ये मेरा हैगा गुड़हल का प्लांट, और आप देखिए कितना हेल्दी हो रखा है, बार बार कटिंग करती रहती हूँ मैं इसकी। फूल इसमें अभी नहीं आ रहे हैं मगर आते रहते हैं, ऐसा नहीं अभी एक हफ्ते पहले तक आए थे मगर आजकल नहीं आ रहे। ये भी कुछ बोगनवेलिया की वैरायटी है। ये आप देखेंगे कनेर, कनेर में देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। और ये भी आपका हैगा मोगरा का प्लांट, और मोगरा में बहुत अच्छे से फूल भी आ रहे हैं। आप ये देखेंगे, देखिए कितने सारे बर्ड्स भी बन रहे हैं और फूल आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी खुशबू आती है दोस्तों। इसके ये फूलों को ना आप रिमूव करते रहिए कीजिए ताकि आपका प्लांट जो है वो हेल्दी रहे। इसमें नीम ऑयल का स्प्रे भी डालते रहिए, इसमें ना एफिड्स वगैरह का बहुत जल्दी अटैक हो जाता है। ये गोरी चोरी का प्लांट है, येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं इसमें। और आप ये देखेंगे तो इस साइड ये देखिए मेरा अशोक का पौधा है, 2 से 3 साल पुराना, एक पतली सी स्टिक से लेके आई थी, आज देखिए कितना घना हो गया क्योंकि मैं ना इसकी प्रूनिंग करती रहती हूँ। तो प्रूनिंग करने का ये बेस्ट टाइम है, अगर आप प्रूनिंग करना चाहते हैं, रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो कर डालिए, बेस्ट टाइम है। ये आप देखेंगे आग का पौधा हैगा, तो ये भी इसमें भी पूजा होती है दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा होता है और आपका मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से भी अच्छा है। कहीं दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो तो उसका पत्ता लगाया जाता है। ये मनी प्लांट देख रहे हैं, सब बिल्कुल मर चुके थे दोस्तों, दोबारा से ग्रो करे हैं। ये मैक्सिकन पिटोनिया की पिंक कलर की वेराइटी है, ये ड्राइसीना का प्लांट है, और ये मेरा गोल्डन फर्न का प्लांट है जो कि मैं अभी नया लाई थी। ये कुछ मैंने कटिंग से प्लांट तैयार करे हैं, देख रहे हैं आप, पर्पल, ये सिंगोनियम हो गया, मनी प्लांट हो गया, ये गोल्डन मनी प्लांट है, और आप ये देखेंगे स्वीट पोटैटो वाइन है। तो ये सब प्लांट मैंने दोबारा से कटिंग से ग्रो कर ली है ताकि जो है अभी आप देख रहे होंगे पौधों की हालत थोड़ी सी डल है क्योंकि शाम का टाइम है, इनको पानी की ज़रूरत है और मैंने वीडियो बनानी थी तो मैंने सोचा पहले वीडियो बना लेती हूँ उसके बाद मैं प्लांट्स को पानी भी दे दूंगी। तो ये बास्केट्स के प्लांट आप देखेंगे, मैं आपको फटाफट से एक बार नाम बता देती हूँ। ये है पैनीवाट, आप बास्केट में लगा सकते हैं इस टाइम गर्मियों में। ये आपका स्पाइडर है, ये आपका पिंक सिंगोनियम है, स्वीट पोटैटो वाइन, ये भी कुछ लिली टाइप का प्लांट है, ये आपका हैगा फर्न हो गया। तो ये आपका आप मेरा देखा होगा आपने DIY बहुत काफ़ी टाइम से मैंने लगा रखा हैगा, ये भी बहुत ही प्यारा लगता है अंकल आंटी DIY। ये देखिए आप फाइकस का प्लांट, पूरी प्रूनिंग कर दी थी, बहुत लंबा प्लांट हो गया था, दोबारा से इसमें पत्ते आना शुरू कर दिए हैं। बट दोस्तों इसका जो प्लांट है ना बहुत लेट लाता है पत्ते, मतलब इसको 2 से 2.5 महीने हो गए अब इसकी ग्रोथ शुरू हुई है,
ये आप देखेंगे कुछ कटिंग से मैंने हाइब्रिड विंका जो है वो ग्रो कर रखे हैं। ये सारे विंका के ही पौधे हैं। ये मेरा हैगा आपका मोनेस्टेरा का पौधा हैगा, एक पत्ता रखा है, पूरा गर्मियों में बिल्कुल ख़राब हो गया था ये मेरा पत्ता। तो ये है ओवरऑल मेरे गार्डन का व्यू इस साइड का, जो कि आपको बहुत पसंद आता है। मुझे भी ये वाला पोर्शन बहुत पसंद है यहाँ पे, क्योंकि मैं अपनी योगा वगैरह करती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। आपको मेरा गार्डन का कौन सा पोर्शन अच्छा लगे मुझे वीडियो में ज़रूर बताइएगा। अब इस बार ना दोस्तों मेरा जो ये टोल टैक्स गेट है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल है, इस बार ये वीरान सा रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई। मैंने एक्चुअली क्या करा, मैंने जो गिलोई की बेल जा रही थी ना उसको यहाँ से हटा दिया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि गिलोई की सर्दियों में बेल ख़राब हो जाती है, मेरा पूरा जो टोल टैक्स गेट है वो वीराना सा हो जाता है। तो इस बार मैं सोच रही थी कि मैं ऐसी बेल लगाऊं जो कि हमेशा मतलब रहे। तो ये आप देख रहे हैं ये मधुमालती की बेल है। बहुत सारे लोग मुझसे डिस्कस भी कर रहे थे कि मैम आप मधुमालती की बेल लगाएं, बट मधुमालती की बेल ना दोस्तों बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, और इसको बढ़ते बढ़ते मुझे तो लग रहा है कि दिसंबर ले लेगी और मेरा टोल टैक्स गेट ऐसे ही वीरान रहेगा। तो अगर मुझे कोई सजेशन दीजिए कोई ऐसी बेल जो बिल्कुल फटाफट से रॉकेट की तरह स्पीड में बढ़े और मेरा पूरा गेट जो है वो हरा भरा हो जाए और विंटर्स में भी ऐसे वीराना जैसा ना हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये मेरा कुछ बास्केट का बनाया हुआ प्लांट है, ये भी बहुत ही प्यारा लगता है। और ये आप देखेंगे ये सारे एलमंडा के प्लांट्स की वेराइटी लगा रखी है मैंने, एलमंडा और टेकोमा दोनों मिक्स करके लगा रखा है, कि कैसे तो जो मेरी ये है ना ये मेरा टोल टैक्स गेट हरा भरा हो जाए। एक की जगह दो दो पौधे लगा रखे हैं कि जल्दी से मेरा पौधा जो है मतलब मेरा गेट जो है वो हरा भरा हो जाए। दोस्तों ये अगर मैं आपको दिन में दिखाती ना क्या लुक था इसका, बहुत सुंदर। मैं वीडियो में ना शो कर दूंगी, ऐसा नहीं है, मैं एक दिन इसकी दिन में जो है वीडियो बना के फटाफट से और इसकी शो करूंगी। बहुत ही प्यारा लगता है दिन में, इसमें इतने सारे फ्लावर्स आते हैं, बहुत अच्छा। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये भी मेरा बहुत ही प्यारा पोर्शन है, इसमें सारी बास्केट्स हैं। ये कुछ गणेश जी प्लांटर, और ये मेरे इतने ज़्यादा मेरे इस पे ऑर्डर आते हैं गणेश जी प्लांटर के। ये कुछ मैंने जो बास्केट्स वगैरह हैं आप ये देखेंगे, ये टोपियारी है मेरी जेड प्लांट की, ये सब आप देख रहे हैं ये जेड प्लांट की टोपियारी है। और ये देखिए कुछ सावन है तो ये झूले का अरेंजमेंट किया हुआ है मैंने। ये मधु कामिनी के पौधे हैं, ये जो आप खाली देख रहे हैं ये गर्मी में उजड़ गए मेरे दोस्तों, अब मैं जल्दी से जल्दी इनको दोबारा से ठीक करूंगी। और ये आप देखेंगे तो ये कुछ कार का हैगा प्लांटर, इसमें मैं ये वाला आप लगाती हूँ पौधा, मुझे पौधा जो है वो चेंज करना हैगा। तो फाइनली मेरे आ गया दोस्तों DIY का पोर्शन, जिसमें कि मैंने कुछ ऐड करा है, जैसा कि आपको दिख रहा है ना बहुत सारे प्लांटर ख़राब भी हुए हैं, और उसमें से मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जो मेरे ख़राब हो गए, आपको पता लग जाएगा कुछ कलर वगैरह फेड हो गए हैं, जैसे कि इनके लिप्स वगैरह जो है वो हट गया था पानी वगैरह बारिश वगैरह जो भी है। अब ये जो है ना मैंने अपने गार्डन में न्यू ऐड करे हैं, पॉट से बनाए हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अभी मैंने इनमें पौधे भी नहीं लगाए हैं, मैं इनके अंदर डायरेक्ट पौधा नहीं लगाऊंगी, अलग से प्लास्टिक का कुछ कंटेनर लेके फिर पौधा लगाऊंगी, जिससे कि मेरा DIY साफ रहे। तो ये कुछ आपको पता ही है मेरे गार्डन का, तो आपने हमेशा ज़्यादातर व्यू देखा होगा। तो आप ये कुछ देखेंगे कुछ बॉटल के जो क्राफ्ट्स वगैरह हैं वो बना रखे हैं, ये आप सारे देखेंगे यूफोरबिया मिली हैं और सारे कटिंग से ग्रो कर रखे हैं, कितने प्यारे और कितने घने आप ये देखिए। और ये है पर्पल हार्ट, ये भी बहुत ही प्यार लगता है। ये है कुछ इमोजीज प्लांटर, ये चमनप्राश की बॉटल से बना रखा है। ये आप देखेंगे कुछ नाव में ना मैंने एक लड़की बैठा रखी है, और ये स्पाइडर प्लांट लगा रखा है छोटा सा। और यहाँ आप देखेंगे तो ये डक हैंगे दो, ये भी मैंने सफोला की केन से बना रखे हैं। ये कुछ हैगा प्लांटर, ये भी मैंने एक अपनी मेरे डिश वॉश की केन है उससे बना रखा है, इसमें प्लांट नहीं लगा रखा। ये स्पाइडर का प्लांट है, पानी नहीं दे रखा है, थोड़ा सा दोस्तों फ्रेश नहीं लग रहे होंगे। ये कुछ देखिए अगेव हो गया, यूफोरबिया मिली हो गया, ये थोड़े थोड़े, और ये आप देखेंगे ना दोस्तों हाईनेक होती है ना विंटर्स की, उसके मैंने मेरे बेटे की बाजू थी हाईनेक कट करनी पड़ी मुझे, तो उसका जो बचा हुआ था उससे मैंने ये प्लांटर तैयार कर लिए। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। प्लांट आप देखिए, और ये जिसमें है ना ये आपके पेंट के डब्बे हैंगे, ये स्टील वाला जो आता है बाहर से सुंदर नहीं लगता, तो मैंने इसको इस तरीके से ढक दिया, तो बहुत प्यारे लगते हैं। आप ये देखिए छोटे छोटे प्लांटर कितने ज़्यादा बुशी हो रखा है इसमें, देखिए आपका अजवाइन का प्लांट जिसको मैक्सिकन मिंट कहते हैं आप सब, तो वो सब प्लांट भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये नीचे मेरी कुछ टोपियारी है, तो ये हार्ट शेप में, ये देखिए जेड के सारे मेरे पास कलेक्शन है बहुत अच्छी। ये फाइकस की बोनसाई है, और आप ये देखिए ये भी बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। और ये सब ये आपका हाथी एलिफेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और ये तो दोस्तों मेरा फेवरेट हो गया है, इससे तो लुक ही चेंज हो गया। एक ये हो गया कि मोजी प्लांटर मैंने अपने गार्डन में ऐड किया था, ये चश्मिश मैंने दोनों एक साथ रख दिया, एक अंकल जी एक आंटी जी, शायद दोनों ही आंटी जी इनके, क्योंकि रेड कलर के लिप्स हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये फिर कुछ ऐसा सा व्यू है मेरे गार्डन का। शाम हो गई है तो लाइटिंग वगैरह ऑन कर दिए, थोड़ा बहुत अंधेरा दिखेगा तो माफ़ कीजिएगा, बट कोशिश यही है कि मैं आपको फटाफट से वीडियो
दिखा दूँ। ये देखिए पोर्चुलका का कुछ मेरा झूला हैगा, बहुत ही प्यारा लगता है ये भी मेरे गार्डन का। और आप ये देखिए मेहंदी का प्लांट कितना बुशी हो रखा है दोस्तों। ये प्लांट, दो प्लांट इसमें इकट्ठे लगे थे, मैंने अलग कर दिया, उससे ये प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी हो गया। देखिए मैं इसकी ट्रिमिंग करती रहती हूँ, ऊपर से मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो भी शेयर करी थी मैं इसकी केयर कैसे करती हूँ। तो ये कुछ पोर्शन दोस्तों मेरा फिर से हरा भरा हो गया, बिल्कुल वीरान हो गया था। और ये तो आपको पता ही है दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले लगभग अक्टूबर टाइम पे मैंने इसको जो है वॉल को ठीक करवाया था, और मैंने इसमें इस टाइप से जो है ब्लॉक्स वाली पेंटिंग करवा दी थी। मैंने ये स्टैंसिल से बने हुए हैं, पेंटर से ही करवाया था मैंने। इतनी ऊपर दोस्तों चढ़ना रिस्की हैगा, और ये कुछ है हेल्प मैंने पूरी करी थी उनके साथ भी, बट ये अच्छा लगता है। और ये देखिए कुछ टायर के DIY हैंगे, और ये आप देखिए ये सब मैं फटाफट से बचा देती हूँ। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया हैगा, ये आपका रोज़मेरी हैगा, और ये आपका रुही हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, एक्जोरा हो गया, डेफिन भेकिया हो गया, ये आपका नाग चंपा हो गया, नहीं नाग डॉन है सॉरी, ये फ्री का प्लांट मिला था मुझे नर्सरी से। ये सब प्लांट्स कुछ हैंगे दोस्तों जो कि मेरे इस पोर्शन को अच्छा करते हैं। ये आप देखिए दोस्तों मधुमालती की वेरीगेटेड वेराइटी है, बिल्कुल बुशी और रखा है, मगर अभी इसमें फूल नहीं आ रखे हैं। 18 इंची के गमले में मैंने इसको लगा रखा है, बिल्कुल हरा भरा घना। अब ये पोर्शन आप देखेंगे ना, ये मेरा है वेजिटेबल पोर्शन, वेजिटेबल पोर्शन है। और ये अभी मेरा आपको वीरान दिख रहा होगा क्योंकि इसके गमले जो है मैंने निकाल दिए हैं, उसमें मैंने जो प्लांट्स लगाए थे वो ख़राब हो गए। तो मैंने अभी जो प्लांट्स लेने हैं इसके लिए या कटिंग से मैं तैयार करूँगी, तो वो गमले जो है दोबारा से निकाल दिए। ये कुछ आपका पोर्चुलका का कुछ मैंने बना रखा था टोपियारी टाइप की। ये आप देखेंगे ये भिंडी के प्लांट है दोस्तों सारे, देखिए कितने हेल्दी हो रखे, ग्रो बैग में लगा रखे। ये भी भिंडी के प्लांट है, ये सब सीड से उगा रखे हैं, ये भिंडी का प्लांट है। ये आपका तोरी की बेल जा रही है दोस्तों, तो आपने जब भी बेले वगैरह लगाएं तो इस टाइप की जाली आप ऑनलाइन ले लीजिए, बहुत सस्ती आती है, 50 रुपीज़ की एक जाली आ जाती है। तो इससे क्या होता है, इनको हेल्प मिल जाती है ऊपर चढ़ने में, और जल्दी जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो ये भी दोस्तों तोरी की है, ये आप देखेंगे तो ये करेली की बेल जा रही है, ये भी मैंने सीड से उगा रखी है, बहुत फास्ट चल रही है। ये बैगन का है, ये भी बीज से उगा रखा है, आप ये देखिए इसमें फूल वगैरह बन रहे हैं। ये कुछ मैंने ना इस टाइप से हैंगिंग का कुछ कर रखा है, ये अरेंजमेंट, जिससे कि इसमें फूलों के पास ना वो भंवरे वगैरह आए और तितलियाँ वगैरह आए, और जिससे कि पॉलिनेशन हो जाए मेरे वेजिटेबल पोर्शन में। तो इसमें आपको पता ही है जैसे पोर्चुलका और पर्सलिन वगैरह में बहुत अच्छे से आती हैं, हनी बी वगैरह सब अट्रैक्ट होती हैं, तो इसलिए मैंने लगा रखा है। ये भी कुछ, ये देखिए अजवाइन का पौधा कितना हेल्दी रखा है, ये चीकू का पौधा है दोस्तों, चीकू पता नहीं कब आएंगे मगर चीकू का पौधा है, जल्दी ही ये बहुत अच्छी सी ग्रोथ कर रहा है। तो ये सब जो है ना आपके जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं वो मैं आप गार्डन में ऐड कीजिए अगर आप करना चाहते हैं। ये आप देखेंगे तो अमरूद का पौधा है, और अमरूद इसमें लग रहे हैं, ये देखिए अमरूद इसमें लग रहे हैं बहुत सारे, इकट्ठे लगेंगे इस बार, बड़ा वाला गमला मैंने इसको दे दिया है। आप ये देखिए सारे अमरूद जो है वो लटक रहे हैं, ये फूल देख रहे हैं, अब फूल भी आते हैं इसके। और ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये इसमें मिर्च लगा रखी है। और ये दोस्तों देख लीजिए, ये मेरा जो है ना DIY सेल हो गया हैगा, किसी मेरे कस्टमर ने ले लिया है, खरीद लिया है, वो घर से ही ले जाएंगे क्योंकि ऐसी चीज़ें कुरियर नहीं की जाती है। तो बहुत ही प्यारा था ये दोस्तों, उनको बहुत पसंद था, तो उन्होंने कहा मेरे लिए बना दीजिए, मगर बनाने में तो दोस्तों ये 1 साल 1.5 साल लग जाता है, मतलब इतनी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो इसलिए मैंने कहा आप मेरा ले जाइए, मैं अपने लिए दोबारा बना दूँगी। तो ये प्लांटर जो है उन्होंने जो है वो परचेज कर लिया है, बहुत ही प्यारा लगता है मेरा ये DIY राउंड वाला, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, अपराजिता वाला। और ये आप देखेंगे दोस्तों अडेनियम का मेरा पौधा जो है इतना बुशी रखा है, बर्ड्स भी बनने लग गए हैं इसमें। तो ये सब मैंने पोर्चुलका लगा रखा है, ये सब स्पाइडर हैं, दोबारा से मैंने अपनी कटिंग से तैयार करे हैं। ये देखिए वेलकम टू गार्डन ऑफ कविता, तो बहुत प्यारा लगता है। ये कुछ आप देखिए यहाँ का पोर्शन ना सब खराब हो गया था गर्मियों में, तो दोबारा से लाई दोस्तों, ये प्लांट जब मैं लाई ना नर्सरी से तो कट्टा फटा हुआ था, तो ये चाइनीज ऑरेंज है, दोबारा से ठीक हो जाएगा, बट ये है कि इसके पत्ते जो है वो रिमूव हो गए दोस्तों। कड़ी पत्ता देखो, कहीं आपको दिख रही है जगह कितना घना हो गया, मैं इसमें बटर मिल्क फर्टिलाइजर देती रहती हूँ, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ वो बहुत अच्छा होता है। ये आप देखेंगे तो ये मेरा गुड़हल का है, हाइब्रिड गुड़हल, और इसमें एक चला के दिखाऊँ, जैसा कि आपने मेरी वीडियो में देखा होगा मैंने इसी के अंदर प्लांटर घुसेड़ दिया, क्योंकि जैसे ही मैं इस प्लांटर को शिफ्ट करती थी ना सारे पत्ते फूल निकल जाते थे, इसीलिए मैंने ऐसी चलाकी करी और ऐसा कर दिया। ये कुछ सदाबहार के प्लांट हैं, ये आप देखेंगे एक्जोरा कॉमन वेराइटी दोस्तों, ये जो है अरंडी का पौधा है, वैसे तो ये आसपास उग जाता है, बट मुझे ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हो थी हाथ में उस टाइम पे मैंने पौधा उगाया था, और कितना हेल्दी हो रखा है, थोड़ा सा मुरझा रखा है क्योंकि पानी नहीं मिला अभी इसको, अभी जैसे ही पानी मिलेगा दोस्तों। ये मोर का हैगा और ये प्रोसेसिंग पे चल रहा हैगा, इसकी जल्दी ही वीडियो शेयर करूंगी जैसे ही कंप्लीट होगा मैंने कैसे इसको बनाया था। और ये कुछ हैगा, और दोस्तों ये गिलोई की बेल मैंने यहाँ शिफ्ट कर दी, जो कि मैंने टोल टैक्स गेट पर थी, तो ये यहाँ पर शिफ्ट कर दी। और ये जो है ये मॉर्निंग ग्लोरी है,
तो ये कुछ नज़ारा है दोस्तों, इस तरीके से है। तो ये कुछ स्टेयर्स है, सबसे ऊपर आप देखेंगे रेन लीली के पौधे, जिसमें कि वाइट, पिंक और येलो तीनों वेराइटी है मेरे पास, और वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, नहीं तो वो मुरझाए हुए फूल मुझे वहीं से दिख गए हैं। वो मेरे यहाँ मेरे आँखों से और मेरे हाथों से रहते नहीं हैं, बट वो ऊपर हो गए ना तो कभी कभी चढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पूरे में स्टेयर्स में पौधे ही लगे हुए हैं। ये सब एडेनियम के मेरे दोस्तों प्लांट्स हैं, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। और ये ना देखिए, कबूतर ना मेरा उल्टे उल्टे काम करता है, ये देखिए सारा पौधा निकाल दिया, अब ये ख़राब हो जाता है ऐसे ना, बार बार इसकी जड़ डिस्टर्ब कर देता है। तो ये एडेनियम के कुछ प्लांट्स हैं, ये आप देखेंगे इतना अच्छा पुदीना ग्रो हो रखा है मेरा। तो ये कुछ प्लांट्स हैं मेरे स्टेयर्स पे, ये भी मैंने खाली नहीं छोड़ रखे हैं। ये कुछ मेरा गंदा एरिया, मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ, तो ये गंदा एरिया भी दिखाती हूँ। देखिए खाली खाली बास्केट्स, पॉट्स, मिट्टी, खाद सब रखा हुआ है दोस्तों इस पोर्शन में। ये आप देखेंगे अगेव का पौधा कितना घना और कितना सुंदर हो रखा है। ये मेरा एलोवेरा का पौधा हैगा। तो ये था दोस्तों कुछ गार्डन का व्यू इस साइड का, इसमें मैंने ग्रीन नेट नहीं लगाई थी जैसा कि आपको पता है। तो ये भी आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। यहाँ मैंने लाइटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ है दोस्तों, तभी आपको ये जो है इतने अच्छे से दिखा। आप ये देख रहे हैं मोटा सा बल्ब लगा रखा है मैंने, ताकि मेरे को रात को दिक्कत ना हो पानी वगैरह देने में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, मेरा जो गार्डन का व्यू, गार्डन का टूर कैसा लगा आपको। जल्द ही मैं इस पोर्शन में जो मेरा ये है ना, मेरा जो फाउंटेन का एरिया है, इसको भी मैं बहुत सुंदर करने वाली हूँ। मेरे फाउंटेन में थोड़ा सा वाइट वगैरह होने लग गया है, तो इसको मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट करके फिर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो कैसा लगा दोस्तों मेरे गार्डन का व्यू, नाइट व्यू भी आपने देख ही लिया है। देखिए मेरे सोलर लाइट्स जल गई हैं दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि शाम होते ही खुद से जल जाती है। मैं वीडियो बना रही थी और ये सोलर लाइट्स जो है खुद से जल गई, तो इसका एक तो बेनिफिट है और बहुत प्यारी लगती हैं दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और आगे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको इसमें से कोई सा भी DIY पसंद आए तो मुझसे परचेज कर सकते हैं, या देख के कॉपी कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इससे कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स यानी कि मैसेज में कांटेक्ट कीजिए। तो दोस्तों मिलती हूँ ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।